ਬਲੋਰੀਆ ਖਵੇਟ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀਆ ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀਆ ਖਵੇਟ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ सिल्क दा सूट भी सवा लिया बापू नू तां कल बिल्लो बेबे ने मना लिया भैन ने तां सिल्क दा सूट भी सवा लिया तू भी चुन्नियां नू गोटे जे लवा ला नी यार आउ सूहा कुड़ता जा पाके सोनी है मैं भी शगना दी खट दी तैयारी आ तू रखी तलियां सजा के सोनी है मैं भी शगना दी खट दी तैयारी आ तू रखी तलियां सजा के सोनी है घोड़ियां ते पेंट तेरे आऊगी बरातनी घर दी कड्डी दा जग चलू सारी रात नी घोड़ियां ते पेंट तेरे आऊगी बरातनी घर दी कड्डी दा जग चलू सारी रात नी आप रल मेल भंगड़े जे पावांगे खड़ा लाऊगा
ਮੇਰਾ ਦੀ ਖਚਦੀ ਤਿਆਰੀਆ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖਚਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖਚਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਕੋਟੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤੈਨ ਕੱਟੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖਚਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖਚਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਬੰਨ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਜਨ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ
Bye.
हमारे पास एक सीए भी है पर आप नहीं बताओ इससे बेस्ट तो इंडिया में नहीं कोई यार तो ये लो ये रख जश्न मना
अपने होवन कोल ते सजदा शगना दाए चक्कर जाती नहीं फिर भी आकड़ कहते मैं चढ़ती नहीं है।
सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल गया है लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। Oh,
पार्टी शुरू हुई है। Got it.
बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।
बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राहत तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू दास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मिले तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का, बताया जब से तुझे जाना। है तू ही दिल जा मेरी अब से, वे जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से, बुलावे तुझे। जीना आया है ओ तेरे सर यारा, कुछ रंग बहा
We'll be right back.
सजदा तेरे बगैर कोई होर ना जचदा हाँ, तेरे मैं अगे आज करदा हाँ सजदा तेरे बगैर कोई होर ना जचदा कीता की जादू मेरे ते हीरे मैं तेरा हो गया बेरब दी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया मैं जिथे जावा तू ही तू मैनू दिस दी अखानू डीक रहें दी मेरी जिस दी कीता की जादू मेरे ते हीरे मैं तेरा हो गया बेरब दी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया आए मैं तेरा हो गया उस रब दी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया कल रेंदा मैं हसदा दिल विच रखा गल सबनू ना दसदा बिना गलों अज कल रेंदा मैं हसदा दिल विच रखा गल सबनू ना दसदा जिस दिन दा इश्क होया ना एक भी रात सोया रोशन जे लग दे ने चार चुपेरे मैं तेरा हो गया मेरे बदी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया हाय मैं तेरा हो गया उस बदी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया खाब मैं पलका ते रखा थानू अपनी जनाब मैं तेरा ही अज कल वेखा हर खाब मैं पलका ते रखा थानू अपनी जनाब मैं तेरे तो साने मेरे खुशियां दे राने मेरे देखो ही मेरे सारे होन समेरे मैं तेरा हो गया सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया हाय मैं तेरा हो गया उस रब दी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया मैं जिथे जावा तू ही तू मैनू दिस दी अखानू डीक रहें दी मेरी जिस दी कीता की जादू मैं तेरा हो गया मेरा बदी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया आए मैं तेरा हो गया उस बदी सौ के ना दिल ते तेरा ना हो गया बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया
बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राहत जिसे मेरी चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मिले तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का, बताया जब से तुझे जाना। है तू ही दिल जा मेरी अब से, ये जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊ तेरे संग में अलग दुनिया। जो हो है तू दस मुझे देख हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। I'm not afraid.
होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। उंगलियों से जा उलझे, कोई टोहा टोहा
सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया।
ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के झूमूंगा मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना, आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना, आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। आपकी च्वाइस है, बोलो। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। तो पत्नी की परिभाषा पता है क्या होता है? कम रोटी।
पत्नी नरम पत्नी ढूंढती रहती है। पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी जो पति से रहे तनी तनी और सारी समाप्त कर दे उसकी पॉकेट की मनी। उसका नाम क्या होता है? पत्नी। ये क्या आपकी धर्म पत्नी है? है ना। जो धर्म पत्नी होती है वो पति के कंधे से कंधा मिला करके चलती है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि आपके माता पिता ने कन्या दान करके मुझे पत्नी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में सौंप दिया। और धर्मपत्नी तो मनुष्य के वाम अंग बैठती है, आप उठ करके मेरे वाम अंग में आए, आप दाएं अंग बैठ के भी ऐसे भी उठने की है। तो शिखा जी कहने लगी थी मैं आपकी धर्मपत्नी कैसे हूँ? शिखा जी कहती है मंडपा मधु प्रकृष्ट लाजा हो परिक्रमा नय तापता शबद पदी कन्या कुमारी का विवाह आप होना। शिखा जी ने कहा कि समति घृणा आपने कहीं भी दान देना है तो दान में भी आप मेरी सहमति लेंगे। बोलो जी स्वीकार वंचित रह जाओगे। फिर पहले कहेंगे कोई भी दान का कार्य करना है, कोई भी दान पुण्य करेंगे ना दान का कार्य करेंगे तो उसमें इनको अपने साथ में इनको साथ में रख करके ही दान करेंगे। पंडित थोड़ा सा करना आप अगर नहीं श्रवण कर पाए तो दोबारा बताया गया। नहीं नहीं इससे पहले श्रवण करना। अच्छा उसमें जो वो था यज्ञ, यज्ञ ये आया अब दान। अब तीसरा वाक्य आया है, लड़की कहती है धन आदि गोपेन है, जो आपका गोपनीय धन है जिसके बारे में न मम्मी को बताया ना आज तक पापा को बताया है, कुछ माल मसाला अलग से छुपाया हुआ है बता दो। हाँ जी ये कह रही है अगर अलग से कोई माल मसाला है तो उसकी जानकारी मुझे जरूर देनी पड़ेगी। एक मिनट, इन सात वचनों के अंदर सीखा जी ने कपिल जी को बांध लिया और जब कपिल जी बंध गए तो कहने लगा अच्छा मैं भी अब आपको धर्म पत्नी रूप में जब लूंगा जब आप मेरे 14 वाक्य स्वीकार कर। सुनो अरे भाई सुनो, जब 14 का नाम आया तो सीखा जी ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के कहने की महाराज ये क्या कर दिया, डबल कर दिया आपने मेरे को। तो लेकिन औरतों के ऊपर आपने भले ही 14 कर दिया, भगवान की बड़ी कृपा है इनको छूट मिलती है रजिस्ट्री में भी, हाउस टैक्स में भी छूट 20% की। तो छूट आपने छोड़नी पड़ेगी, इसके पीछे से 10 हटा दो। कितने बजे? लेकिन हाँ जी देखिए चार वाक्य कपिल जी के, चार वाक्य भी खट खट सुनार की एक ही चोट लोहार की बराबर की होती है, सात से कम नहीं है। और ये चार वाक्य का क्या मतलब? अकेले में आप जंगल में या कनम जैसे अकेले भी कहीं जाना होगा तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मेरे परिवार के साथ में विराजमान होकर के जैसे हमारे किसी के साथ में ही जाएंगे। अकेलापन कहीं कहीं भी जाना होगा अकेले नहीं जाएंगे, परिवार के साथ सम्मिलित होकर के हमारे तभी आप जाएंगे। उद्पानंद, उद्पानंद में दूसरा वचन क्या है? ये वचन आपको मंजूर है? कुछ मधुपानन, मधुपानन मतलब ये है जहाँ कभी काल होता है कि जैसे चल क्या चीज है दीदी मैं मधुपानन मधु मतलब जैसे कभी काल ये होता है कि जैसे मधुपान मतलब जैसे संगत में कभी दारू शराब संगति में बैठे होते हैं। मध्यपान है, मधु नहीं मधु तो सारे मधुपान है। मधुपानन मतलब जैसे जहाँ पर आप दारू शराब दारू शराब जहाँ पर नशीले पदार्थों पर आप वहाँ नहीं जाएंगे, नशीले पदार्थ जहाँ पर विराजमान होंगे या किसी के संगत में बैठे हुए हैं तो वहाँ आप नहीं जाएंगे, किसी के माध्यम के द्वारा इनको बुलाएंगे अगर कोई खास जरूरी है तो। ठीक है ये वचन आपको कुछ हाँ जी पित्र गमनम। ठीक है अब इसमें क्या है? लोग कहते हैं जी अभी तो हमने हाँ कर ली, 7% बैटरी। हाँ जी
अभी तो हमने हाँ कर ली और बाद में कह रहे कि मैं तो नहीं करता। देखिए दो देवता साक्षात हैं, एक अग्नि देवता और एक सूर्य देवता। अग्नि को हाजर नाजर करके जिसने यहाँ पर वचन ले लिए और बाद में उन वचनों को जो तोड़ देता है वो अगले जन्म में मंगलिक पैदा हो जाता है। 35 वर्ष की 32 वर्ष की आयु हो जाती है लड़के लड़कियों की, लड़का ढूंढते रहते हैं किसी के लिए, लड़की ढूंढती रहते हैं, वर और वधु आपस में नहीं मिल पाते। ये किसका दोष आया? आपने वचन लिए थे फिर उन वचनों को आपने नहीं निभाया। भगवान ने क्या कर दिया? उसका दंड दे दिया। बोले आप पत्नी के विरह में दुखी रहोगे, जल्दी में आसानी से पत्नी नहीं मिलेगी। अगर पत्नी तोड़ देती है तो उसको पति नहीं मिलता, इसका दोष यहाँ आता है। ठीक, अग्नि को हाजिर नाजिर करके अगर आपने वचन लिए हैं इनको मानना पड़ेगा, और गृहस्थी रूपी जो रथ है आपका उसको दोनों पहियों से ही चलाना, एक पहिये से कभी रथ नहीं चलेगा। और कम से कम जीवत शत यानी कि 100 वर्ष तक तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बावरा
आधे से अधूरे से बिन तेरे हमें फीका लगे है मुझको सारा जहां। बाबरा मन रायता के तरसे रे नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। कैसी खुशी है जो मोमसी है आंखों के रस्ते हंस के पिघलने लगी। मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे टूटे ना रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। टूटे ना रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। सौ बलाएं ले गया तू सर से रे नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार कराते। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार कराते। मुड़ के ना देखो दिल बरो
काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार